बहुत लोग कहते हैं गाड़ी चलाते हुए ध्यान करते हैं, बहुत लोग कहते हैं बाइक चलाते हुए ध्यान करते हैं हम, बहुत लोग बोलते हैं मैं खड़े खड़े ध्यान करता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं बैठ करके ही क्यों ध्यान करना चाहिए, चलते हुए क्यों नहीं ध्यान कर सकते। देखो, ध्यान वो घटना है जहाँ जीव होश में होकर के समाधि में चला जाता है। जब जीव होश में आता है, ये बेहोशी से ऊपर की अवस्था है। ये मत मान लेना कि होश में है तो चलने में क्या दिक्कत है। जब आप बेहोश हो जाओगे, आपको होश ही नहीं रहेगा, उससे ऊपर की स्थिति होश है, होश में रहना। तो वो जीव होश में होकर के और समाधि में चला जाता है। वो उस समय ना गाड़ी चला पाएगा, न अपने शरीर को हिला पाएगा, ना हिल पाएगा, चल रहा है तो गिर जाएगा। अगर गाड़ी चला रहा है तो शरीर का के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, कहीं भी कुछ भी घटना दुर्घटना हो जाएगी। इस कारण से बैठ करके ध्यान करने की आवश्यकता होती है कि चलते हुए ध्यान कर सकते हैं जी, चलते हुए नाम ले लेते हैं जी। चलते हुए नाम दुनिया में जितने आस्तिक आदमी हैं, किसी भी मजहब का हो, बस आस्तिक हो, वो कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई शब्द गुनगुनाते रहते हैं या मन से जाप करते रहते हैं। उनमें आप नज़र मार करके देखिए कितने साधक हुए, कितनों ने अनुभव किया, किसको मिला। अनुभव से आपको ये पता ही चल जाएगा और महसूस भी हो जाएगा कि क्या था क्या नहीं था। तो अगर आपको मन काबू में करना है तो आपको साधना के लिए बैठना पड़ेगा, और बैठे बगैर साधना में ऊपर चढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि हम इसी प्रकार से विचारों के अंदर, इधर उधर की बातों के अंदर। बड़े आश्चर्य की बात है, जो लोग वर्षों से साधना कर रहे हैं, बहुत साल हो गए साधना करते हुए, अपने आप को सोहम बोलते हैं। कई जीव तो ऐसे हैं जो मेरे बारे में होने वाली घटनाओं को देख करके बताते हैं कि अब आगे ये घटना होने वाली है, देख लेना, संभाल लेना। वो जीव 10 आदमी इकट्ठे बैठ करके बात तक नहीं कर पाते, और बात करते हैं ब्रह्म की कि मैं सोहम हूँ। बड़ा आश्चर्य आता है मुझे कि कृपा कर दीजिए, अब तो सब कुछ दिखा ही दिया, बस हाथ रखना शेष है। मेरी नज़र हर समय रहती है, क्योंकि जब हम रिसर्च में थे, खोज में थे कि परमात्मा ने क्या क्या दिया है, उस समय बहुत जीव निकाल दिए हमने, लेकिन अब हम
बड़ी तेज़ नज़र रखते हैं जीव के ऊपर कि बाहर ये जो बोल रहा है ये मात्र वाणी से बोल रहा है, मन से बोल रहा है, बुद्धि से बोल रहा है, उधार के विचार से बोल रहा है, शरीर के अहंकार से बोल रहा है, मेरी बातें सुन करके बोल रहा है, या फिर आत्मा बोल रही है। बड़ा ध्यान रखते हैं हम चीज़ों का, क्योंकि बहुत लोग बस मुख से बोलते हैं, मुख से बोल रहे हैं, सोहम मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मुझे ज्ञान हो गया। लेकिन जब हम देखते हैं अंदर में थोड़ा सा ताक झांक करके हिला करके, तो मन में ये ब्रह्म बोलते हुए भी कि मैं ब्रह्म हूँ, इतना भी ठहराव नहीं कि उस पल तो वहाँ हो, कम से कम उस वक्त तो कुछ पल के लिए तो ठहराव हो कि अब तो स्थिति आसपास हो। नहीं, भागम भाग कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं बोलता हूँ, थोड़ा ठहरो, इस मन को थोड़ा रोको, नहीं तो जो मन में चल रहा है पहले वो काम बता दो, ब्रह्म फिर बन लेना, 5 मिनट रुक जाओ कि जी वो हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया आज, तो फिर वो चीज़ें बीच में आ जाती हैं जीव और ब्रह्म के, कि जी थोड़ा सा पैर में दर्द है इसको देख लेना, बाकी तो स्थिति बहुत ऊंची है, ये तो आपकी दिया हुआ है कि हमें ब्रह्म की अनुभूति हुई। मैं सुन बोलता नहीं हूँ, बस सुन लेता हूँ कुछ चीज़ें, और जवाब देना उचित नहीं समझता, और मैं उनसे बस एक बात पूछता हूँ, पूर्णिमा के दिन सुना था मैंने कुछ बोला था, बोलते हाँ हाँ जी पूरा याद है। याद तो कर लेते हैं, उस मार्ग के ऊपर नहीं चलते। कुछ लोगों के बैठते ही दर्द होने लगता है, किसी के टखने में दर्द होने लगता है, किसी के घुटने में दर्द होने लगता है, किसी की कमर में दर्द होने लगता है, किसी के हाथों में दर्द होने लगता है, किसी के सिर में दर्द होने लगता है, बैठते ही ध्यान में 5 मिनट के अंदर की बातें हैं ये सारी। हम उसको नाम लेना छोड़ देते हैं और ये मान करके कि मैं ठीक नहीं हूँगा और ये तो दर्द और बढ़ेगा, इससे अच्छा उठ लेता हूँ। वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, खड़ा हो करके भूल जाता है नाम को कि चलते फिरते याद कर लूँगा। फिर जब मन ही चल रहा है फिर याद किसको करोगे। कुछ लोगों के पैर सुन्न हो जाते हैं, कुछ के हाथ सुन्न हो जाते हैं, कुछ लोग तो बैठे बैठे सो जाते हैं, गर्दन लटक जाती है, वो योग और ध्यान नहीं है, ये ध्यान का मार्ग नहीं है, ये आप निंद्रासन में चले गए, उठोगे
तो सपने दिखेंगे कि मुझे ये दिखाई दिया, मुझे वो दिखाई दिया। ये आपके सपने हैं जी, जो चित्त में पड़े हुए संस्कारों के वश। ये हो सकता है तामसिक से राजसिक या सात्विक सपने दिखाई दे, लेकिन हैं सपने ही, ध्यान नहीं है, अनुभव नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ा सा सपने में प्रकाश क्या दिखाई दे कि वो तो बेचारे अपने आप को ब्रह्म मान लेते हैं कि बस हो गया ज्ञान, यही तो होता है और बैठे हुए ही हुआ है, वो सवपन है, ध्यान नहीं है जी। ध्यान में गर्दन नहीं झुकेगी, गर्दन ऐसे ही रहेगी जैसे आप लोग बैठे हैं, हम बैठे हैं, सब आसन के ऊपर बैठते हैं, गर्दन ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल नहीं झुकेगी गर्दन। और जब आपकी आंखें खुलेंगी, जाप चलता हुआ मिलेगा आपको, तो उठ करके ये ही नहीं पता चलता, किसी दी आंखें ही खुल जाती हैं, जैसे बिस्तर से उठते ही खुलती हैं, किसी ध्यान में एकदम से आंखें खुल गई। मुझे बड़ी हंसी आती है ये सुन सुन करके कि सो करके उठा है और ध्यान बोल रहा है, ये निंद्रा है, ध्यान नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने को ब्रह्म मानने का प्रयास कीजिए, आत्म तत्त्व से, मन से नहीं, शब्दों से नहीं, आत्मा से मानने का प्रयत्न कीजिए। जब आत्मा ये बोलेगी तो आवाज़ किसी को नहीं सुनेगी, सिर्फ समर्थ सुन सकते हैं, समर्थ देख सकते हैं, समर्थ अनुभव कर सकते हैं, समर्थ समझ सकते हैं स्थिति को, लेकिन साधारण पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कोई शरीर नहीं बदलेगा कि कुछ मोटा पतला हो जाएगा, कम ज़्यादा भार हो जाएगा, लंबा छोटा हो जाएगा, कुछ और कुछ घटना दुर्घटना, बाहरी क्रियाएं नहीं होंगी। ये समझो अंदर जाने के लिए बाहरी क्रियाएं की आवश्यकता नहीं है, अंदर जाने के लिए आंतरिक क्रियाओं की आवश्यकता है, आत्मिक क्रियाओं की आवश्यकता है। अंदर उतरने के लिए ध्यान की इसीलिए आवश्यकता है।